फुकरे इंसान के फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि फुकरे इंसान ने ऐसा क्या किया कि वो यहां तक पहुंच गए, यानी कि बिग बॉस तक पहुंच गए। फुकरे इंसान ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया है। अगर आप भी ऐसे कॉन्सेंट्रेट करें, अगर आप भी ऐसी चीजें करें, तो मे बी शायद आपकी भी किस्मत जो है चमक सकती है फुकरे इंसान के जैसी। फुकरे इंसान जो है वो मनीषा से बात करते हुए नजर आए और यही चीज कहते हुए नजर आए कि भाई मैं जो हूं एक वक्त पे एक ही काम करता हूं, और सब लोग एक वक्त पे एक ही काम करते हैं। वैसे काफी सारे लोग होते हैं कि मल्टीटास्क कर लेते हैं, हालांकि आप लोग मल्टीटास्क करते हैं या नहीं मुझे जरूर बताइए, पर मैं मल्टीटास्क करती हूँ एक ही टाइम पे। वहीं पर जो है फुकरा इंसान ये बात बोलते हैं कि यार मैं ना मतलब कि अपने काम के अलावा कुछ और नहीं सोचता, मैं कुछ और चीजें नहीं सोचता, मैं अपने काम पे पूरा फोकस करता हूँ। यानी कि उनकी लाइफ में जो है काम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट में रखते हैं अपने काम को, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि अगर आप काम करोगे, आप कॉन्सेंट्रेट रहोगे, आप फुल 100% अपने काम को दोगे, तो जनता लोग आपको प्यार करेगी और आप आगे और भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए जाओगे। वहीं पर दूसरा कारण है वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं और फैमिली के साथ ही रहते हैं, जो कि उनका दूसरा पॉइंट है पावरफुल बनने का, आगे बढ़ने का। भाई फैमिली का सपोर्ट हो और बंदा फोकस्ड रहे तो ऑफकोर्स इतनी बड़ी अचीवमेंट तो जो है वो मिलेगी ही किसी को। तो फुकरा इंसान को इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है इन दो चीजों के कारण मिली है, एक तो फैमिली और दूसरा वो फोकस्ड रहे हमेशा और भटके नहीं इधर उधर, है ना। अच्छी बात, अगर आप भी ऐसे फोकस्ड हैं और अगर नहीं है तो हो जाइए, तो क्या मालूम आपकी किस्मत चमक जाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।